सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं है, वरना बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव पुंडीर है। जी जी, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, रोज देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, इन्फॉर्मेटिव, सब आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत ही वेल रिसर्च प्रोग्राम होता है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। तो ये किताब मैं पढ़ चुका हूँ, आज मैं आपके पास इसको साइन कराने के लिए आई 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 आई। तो ट्रांसजेंडर भगवान क्या क्या रहता है? भैरुची देवी, हाँ, मुर्गों की देवी होती है। अच्छा, तो उनकी भगवती होती है। और तो एक ऐसा मंदिर है शिव जी का, अनिल जी नमस्कार, कि जहाँ कर जो मरा हुआ होता है उसके मुंह में गंगा जल डालो, वो वापस से जान आती है उसमें, वो हर हर महादेव बोल के वापस मर जाती है। अरे वाह वाह वाह, चलिए आप हिंदी भी पढ़ेंगे है ना, हिंदी आनी चाहिए ना। मेरा बेटा कहता, अच्छा पापा 17 मतलब, 17 मतलब, तो मैं कहता हूँ इतनी पिटाई लगेगी ना, 17 मतलब, 17 मतलब 70। हाँ हमें बताऊंगा, क्या नाम बताया आपने अपना? लाइशा सचदेव। बस आप पापा को कह दो ये ले दे, मैं हिंदी बोलूंगा। पापा को क्या कहना, आपका सौभाग्य दादा जब है ना, बाप का बाप जब खड़ा है, जब बाप का बाप खड़ा होता है तो बाप की कोई औकात नहीं होती है, बाप का बाप खड़ा है, तो इसलिए आपको पापा को बोलने की जरूरत नहीं है। उम्र आपके अंकल क्या है? 76। बिल्कुल तंदुरुस्त है, योगा रेगुलर करते हैं? हाँ। क्या जी, सुबह से उठ शाम तक का बताइए दिनचर्या जरा सा, ताकि लोग समझें कि आपके जैसे लोग कैसे स्वस्थ रहा जाए। और कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं पटौदी से। 50 रुपीज योगा सेंटर पटौदी से आ रहे हैं, सिर्फ मिलने के लिए, किताब के लिए। मिलने के लिए, किताब के लिए। तो रेगुलर खान पान सादा है? सादा क्या? हाँ, मोटा है। सुबह शाम, सुबह क्या है लेते हैं आप? सुबह एक टी लेता हूँ बस, और शाम को लेता हूँ चाय पीते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो चाय पीना चाहिए इसका मतलब ना, जब मतलब नहीं, हल्की हल्की वाली, हल्की वाली, हल्की। हाँ मतलब चाय तो मैं भी पीता हूँ, कई लोग कहते हैं कि चाय सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए। वो अब यूँ है कि हम बुड्ढे हो गए तो कहीं एनर्जी तो पैदा करें, वो तो करें कम से कम। नहीं, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही स्वस्थ रहिए आप, और ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद आपका बना रहे, ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रेम मशहूर लेखक दत्त भारती जी के पुत्र हमारे साथ हैं, क्या नाम, शुभ नाम सर? विजय भारती। विजय भारती जी, ये उनकी किताब हमें भेंट करने आए, पुराने व्यूअर्स हैं हमारे द मनीष ठाकुर शो के, और स्पेशली आए, और उन्होंने अपने पिताजी की दो किताबें जो हैं हमें गिफ्ट किया है। कौन सी फिल्म थी जो बताइए? प्यासा पिक्चर थी, उनके पहले उपन्यास चोट पर आधारित थी। अच्छा, उसके ऊपर अपना जो गुरुदत्त जिसमें थे, हाँ, उसमें क्रेडिट नहीं दिया गया था दत्त भारती जी को, क्रेडिट नहीं दिया गया था। तो आप हाईकोर्ट से उसकी लड़ाई लड़े? हाईकोर्ट से लड़ाई लड़के फिर हाईकोर्ट से वो अपना विजय के उसमें फेवर में हुआ, और उनको कंपनसेशन दिया गया। कंपनसेशन दिया गया आपके 1970 में। कितनी दिन सालों की लड़ाई रही है? 10 साल। 10 साल की लड़ाई रही, मतलब इतना उस समय के लोगों ने शायद ही कोई होगा जो उस फिल्म को नहीं देखा होगा उस दौर में। वो मनीषी जो टाइम्स नाउ मैगजीन है ना, आज से 5 वर्ष पहले उसके एक ना सर्वे किया था कि 100 वर्ष में, पिछले 100 वर्ष में 100 बेहतरीन जो पिक्चरें बनी हैं अलग अलग भाषा में, तो उसमें प्यासा 50वें नंबर पर थी। प्यासा 50वें नंबर पर थी, और इसकी फिल्म वो चोरी से उसकी वो सब कुछ हो गया, राइटर को कोई क्रेडिट नहीं दिया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने ऐसा ऐसा नैरेटिव बनाया, इतनी बड़ी बड़ी बातें की, और फिल्म जो है चोरी की उसकी स्क्रिप्ट कर दी। वो तो ऐसा है, वो तो मर गए थे गुरुदत्त, तो कंपनसेशन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया, और जज ने बोला मुझे मालूम है तुम लोग बदमाश हो, तुम लेखक की कोई वो नहीं रखते,
तो मुझे चेक जो है ना कल हाई कोर्ट में लेके आइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर हाई कोर्ट में अगर वो चेक लाया डिस्ट्रीब्यूटर को, पिताजी को दिया और बोला पिताजी को कि ऐसा है कि ये क्रेडिट हो जाएगा फिर मुझे बताना, ये पता चले ये बाउंस करा दें। तो फिर अब उसके लिए क्या कोई किताब आने वाली है शायद उनकी? अब ये उन्हीं के रिप्रिंट हो रहे हैं जी, अपनाना है। अच्छा, उसी के रिप्रिंट से। और अब डायमंड वाले भी जो है ना वो भी प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको पूरा कंपनसेशन मिल चुका है आप लोगों को? मेरे को तो मैं रॉयल्टी, ये सब पिताजी ने हर काम रॉयल्टी पे रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले व्यक्ति थे जिसने रॉयल्टी सिस्टम शुरू किया। नहीं, अब फिल्म वाला जो है प्यासा वाला, वो प्यासा में बस यही है कि क्रेडिट तो खैर कभी नहीं मिला, लेकिन यही है कि हाईकोर्ट ने कहा इनको डैमेजेस दे दीजिएगा। अच्छा, डैमेज मतलब क्रेडिट नहीं मिल पाया उसका, क्रेडिट नहीं मिल पाया उसका, इसकी पीड़ा रहेगी। चलिए, बहुत आनंद आया आपको, आपसे मिल करके बहुत मजा आया। मनीषी, अपना जरूर अपना आपको समय लगे इसी गरीब खाने पे आइए। अरे जरूर जरूर, आपने नंबर दे दिया है, मैं जरूर आपके दर्शन करने आऊँगा। बिल्कुल।